अस्सलाम वालेकुम, हाय, वेलकम टू माय चैनल मम्मीज मैजिक। कैसे हैं आप सब? होप आप अपने अपने घरों में खुश होंगे, सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। और आज मैं आपके साथ में चिकन गोला कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि रमजान स्पेशल रेसिपीज में स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो भी रमजान में बनाने वाली मेरे चैनल पर पहले भी शेयर की हुई डिशेज हैं, उसका जो है मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, तो आप जरूर वॉच कीजिए। और आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। और जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गोला कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ 1/2 kg बोनलेस चिकन लिया हुआ है और इसे जो है अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद इसका जो पानी है वो बिल्कुल निकाल लिया है। तो अब देखिए, इसमें हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच डाला है, और ये 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर मैंने डाला है, थोड़ी सी हल्दी 1/4 चम्मच के करीब, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और धनिया और ये जीरा पाउडर मैंने डाला है 1 चम्मच, और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और देखिए 1 नींबू का रस हमने ऐड किया है, और ये 1 मीडियम साइज का जो अनियन है उसका हमने बिरिस्ता बनाया है वो इसमें डालेंगे, और कुछ पुदीने के पत्ते, और साथ ही थोड़ा हरा धनिया ऐड करेंगे। और यहाँ पर देखिए, ये मैंने जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली है इसका पेस्ट तैयार किया हुआ है, तो आप चाहे तो अखे भी डाल सकते हैं, ये 2 चम्मच ऐड कर लेंगे, और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल लें। अब देखिए, इन सारी चीज़ों को मैं ये जो है ब्लेंडर में ब्लेंड कर रही हूँ। आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं मिक्सर ग्राइंडर में। तो अभी हम इसे एक अच्छा सा फाइन सा पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए, ये हमने थोड़ा ब्लेंड किया हुआ है। अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, इसे बाइंड करने के लिए अभी हम इसमें ये रोस्टेड बेसन ऐड करेंगे, 2 चम्मच। जो बेसन है इसे हमने भून लिया है, ये 2 चम्मच आप ऐड कर लीजिए, और अगर आप चाहें तो ब्रेड क्रम भी डाल सकते हैं। तो देखिए, अब जो ये है हमारा, ये जो मिक्सचर है तैयार हो गया है। अब इसे हम कोयले का बघार दे रहे हैं। गोला कबाब में इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो देखिए, अभी कोयले का बघार देकर इसे अच्छे तरीके से हम ढकेंगे। देखिए, 5 मिनट बाद मैंने जो है कोयला निकाल लिया है और इसमें अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आ चुका है। तो अभी इसे हम 1/2 आवर के लिए फ्रिज में रख देंगे। देखिए, 1/2 घंटे बाद हमने ये निकाल लिया है। अब इसके हम जो है गोला कबाब तैयार करेंगे। तो ऑयल ग्रीस कर लीजिए हाथों में अच्छी तरीके से, और इसे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पोर्शन लेके हम इसके जिस तरह से सीख बनाते हैं उस तरीके से ही बनाना है, बट इसे हम गोल गोल शेप देंगे अपने हाथों की मदद से। देखिए इस तरीके से, ये देखिए, इसी तरह से हम बाकी सारे कबाब तैयार कर लेंगे। देखिए, ये हमारे जो है गोला कबाब रेडी हो गए हैं। तो अभी देखिए, ये जो गोला कबाब है, आप जो है इसे अप टू 1 मंथ फ्रीजर में फ्रीज करके रख सकते हैं। तो इसी स्टेज पर आप इसे फ्रीज कर लीजिए। बस आपको करना क्या है, सारे कबाब तैयार करने के बाद आप इसे फ्रीजर में डाल दीजिए, और फिर जब ये कबाब सेट हो तब उसके बाद आप किसी एयरटाइट कंटेनर में या प्लास्टिक बैग में रख दीजिए। तो पहले इसी तरीके से प्लेट में आप फ्रीजर में डाल दीजिएगा। अब देखिए, इसे हम फ्राई करेंगे, इसे हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई इसे करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जो है ये गोला कबाब, इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से कुक हो और जो इसके जूसेस हैं चिकन के वो अंदर ही रहें। तो देखिए, और इसे हर तरफ से आपको टर्न करके लो फ्लेम पर सेकते रहना है। देखिए, हम आहिस्ता आहिस्ता टर्न करेंगे और हर तरफ से फ्राई करेंगे। देखिए, जो हमारे कबाब हैं ये हर तरफ से फ्राई हो चुके हैं। तो बस अभी हम इसे सर्व करेंगे। देखिए, ये हमारे गोला कबाब जो है बिल्कुल रेडी है, और ये रमजान में बनाने वाली काफी अच्छी डिश है। और ये देखिए कितने अच्छे सॉफ्ट और जूसी तैयार हुए हैं, और ये काफ़ी अच्छी रेसिपी है। आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये गोला कबाब की रेसिपी कैसी लगी, और जो बेल आइकन है उस पर जो है
ऑल नोटिफिकेशन आप दबा दीजिए ताकि मैं अभी जो भी रमज़ान की रेसिपी शेयर करूँगी वो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और जो बाकी सारी रेसिपीज़ हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए।